ओवरऑल ऐसा है कि मुझे इनवाइट किया जाता है यानी सावी को, क्योंकि मैं एक अनोखी लड़की हूँ जिसकी जिसके विचार बहुत पसंद आए उसे, और मैं एक लौती उज्जैन की रिक्शा ड्राइवर हूँ, तो वो मुझे बुलाती है, इनवाइट करती हैं कि चलो इनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। तो एक नर्वसनेस है, थोड़े फ़नी मोमेंट्स हैं, फिर मिस्टर एम और मिस्टर डी की जो नोक झोंक है उनकी भी शुरू हो जाती है, जो मुझे पता नहीं है वो लोग कौन है, तो उनका भी कुछ ना कुछ अनबन शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद वो मुझसे सवाल पूछती हैं कि आप क्या सोचती हो प्यार के बारे में, या आपको क्या लगता है कैसे होना चाहिए, क्या चीज़ है। तो सावी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती है, तो ये दोनों नोट्स ले रहे हैं। तो ये सीन है, तो है बहुत इंटरेस्टिंग। मैं पीछे से इशारे करके इनको बोलता हूँ कि यार चलो 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 जल्दी चलो निकलना है, क्योंकि इनको मैं इनसे मैं लिफ्ट लेता हूँ, और इनको ऐसा लगता है कि नित्यम अचानक से बदल गए हैं, लेकिन इनको नहीं पता है कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है इस वक्त। और मैंने सुना कि इनको हाईवे पे कोई तो दुकान है, वहाँ पे जाके ये चाय चाय की टपरी है, वहाँ जाना है, तो मैंने सोचा कि चलो इनको वहाँ लेके चलते हैं। मतलब अभी तक का बेस्ट एक्सपीरियंस है, मेरा भी, आई थिंक इनका भी, और सभी एक्टर्स का, डायरेक्शन टीम का, और सभी का। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही लाइव जो शूट करते हैं, जैसे हम असल ज़िंदगी में हाँ जीते हैं, जैसे जो हम मज़े करते हैं, वो हमने उस पल को इंजॉय किया।